भाइयों और बहनों, कल आपने बजट में और उसके बाद टीवी पर चर्चाओं में और आज अखबारों में एक बात पढ़ी सुनी देखी होगी। एक शब्द गूंज रहा है चारों तरफ, हर कोई बोलना शुरू किया है, देखते ही देखते कानों कानों बात पहुंचने लगी है, और वो क्या है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आखिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का मतलब क्या है? एक आम भारतीय जिंदगी का, हर एक भारतवासी का इससे क्या लेना देना है? ये आपके लिए, सबके लिए जानना भी और जानकर के घर घर जाकर के बताना भी बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो हम भारतीयों के सामर्थ्य पर शक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के लिए ये लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आपने सुना होगा, कल से चर्चा चल रही है। साथियों, जब ऐसी बातें सुनता हूं तो काशी के इस बेटे के मन में कुछ अलग ही भाव जगते हैं। आशा निराशा में उलझे लोगों तक मैं अपने मन के भाव पहुंचाना चाहता हूं। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है। देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा। अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है। दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है।
तो साथियों, बात होगी हौसले की, नई संभावनाओं की, विकास के यज्ञ की, मां भारती की सेवा की और न्यू इंडिया के सपने की। ये सपने बहुत हद तक जुड़े हुए हैं 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य से।